हे एवरीवन, दिस इज शौर्य गुप्ता एंड इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा अबाउट अ फ्यू थिंग्स व्हिच आई विश आई न्यू बिफोर लर्निंग फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आफ्टर लर्निंग फुल स्टैक डेवलपमेंट मुझे लगता है कि यार अगर मुझे स्टार्ट करने से पहले पता होता या फिर ये पता होता कि इन चीज़ों की क्या इंपॉर्टेंस है तो आई एम श्योर कि मेरा लर्निंग एक्सपीरियंस जो है वो और भी अच्छा हो सकता था। Also, while working on projects and other things, मेरा काम और effort काफ़ी optimize हो सकता था अगर ये चीज़ें मेरे को पहले पता होती। So, इस वीडियो में मैं share करूँगा आपके साथ ये सारी चीज़ें ताकि आप इनको consider करके अपने learning experience को और rich और better बना सकें। So, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो like और share ज़रूर करना है इसको। Also, don't forget to subscribe to the Coding Ninjas channel for more such amazing and informative content. So, सबसे पहले बात करते हैं अबाउट अ फ्यू थिंग्स विच आर इम्पॉर्टेंट टू बिकम अ गुड वेब डेवलपर। एक होता है सिर्फ चीज़ों को सीख लेना एंड जब अप्लाई करना हो तो बिना सोचे समझे अप्लाई कर देना। दूसरा होता है चीज़ों को समझ के अप्लाई करना एंड जब ज़रूरत पड़े आप सिचुएशंस के अकॉर्डिंग सिचुएशन के हिसाब से चीज़ों को ट्वीक कर पा रहे हो। सो ऐसे ही कुछ चीज़ें हैं दैट यू शुड नो बिफोर स्टार्टिंग विद वेब डेवलपमेंट, जैसे कि बेसिक्स ऑफ वेब हो गया, वर्जन कंट्रोल सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम, ब्राउज़र क्या होता है एंड हाउ इट हेल्प्स इन डीबगिंग। ये सब चीज़ें प्री रिक्विजिट्स होती हैं बेसिकली जो कि आपको वेब डेवलपमेंट शुरू करने से पहले पता होनी चाहिए। तो अगर मैं वर्जन कंट्रोल सिस्टम के बारे में ही बात करूँ तो यार आपने बहुत सुना होगा अबाउट गिट एंड गिटहब। तो जिन लोगों को नहीं पता, गिटहब और गिट बेसिकली आपके प्रोजेक्ट या फाइल्स के वर्जन को ना मेंटेन करता है। मतलब ये कि आपके फाइल्स के चेंजेस को ये वर्जन कंट्रोल जो है या गिट जो है उसको ट्रैक करता है। वर्जन कंट्रोल सिस्टम एक ऐसी चीज़ है जिसकी इंपॉर्टेंस आपको ना वेब डेवलपमेंट सीखते टाइम नहीं रियलाइज होगी, ये नहीं पता चलेगा कि कितना इंपॉर्टेंट या कितना ज़रूरी है। बट जब आपको प्रोजेक्ट करोगे ना, जब आपको ये या फिर आप टीम में काम करोगे तब आपको इनका असली इंपॉर्टेंस पता चलेगी कि एक्चुअली में गिट में क्या खूबी ऐसी है जो सब लोग इसके गाने गाते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपनी वेबसाइट में कोई नया फीचर डाला है से F1 एंड उसके डालने से क्या हुआ कि किसी F2 फीचर में प्रॉब्लम आ गई, आपकी वेबसाइट ढंग से नहीं चल रही है। सो अब क्या करोगे आप? ऑब्वियसली अगर आपकी वेबसाइट लाइव है तो आप यही चाहोगे कि ना यार मेरी वेबसाइट उसी पिछले वर्जन पर रिवर्ट हो जाए जिसपे कि एरर नहीं था, राइट? सोचो कि अगर ऐसा गूगल में हो जाए एंड एरर फिक्स करने में उनको 10 मिनट लग जाए तो ये अपने आप में कितनी बड़ी बात हो रहेगी ना कि यार 10 मिनट के लिए वर्ल्ड वाइड गूगल बंद हो गया था, गूगल डाउन था, अगले दिन न्यूज़ में ही आ जाएगा। सो ऐसे सिचुएशन को हैंडल करने के लिए ही वर्जन कंट्रोल सिस्टम यूज़ होता है कि अगर कभी ज़रूरत पड़े तो किसी भी स्पेसिफिक वर्जन पे आप शिफ्ट या रिवर्ट कर सकते हो। तो ऐसे ही और भी चीज़ें होती हैं जैसे कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, बेसिक टर्मिनल कमांड्स होते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए वेब डेवलपमेंट सीखने से पहले, ताकि यार ये सब चीज़ें ना जानना ज़रूरी है ताकि आपको इन द लॉन्गर रन परेशानी ना हो और आप एक बेटर वेब डेवलपर बन सको फ्रॉम द वंस जो कि इन चीज़ों को समझते नहीं हैं। तो यार अब बात करते हैं अबाउट अनदर मिस्टेक जो कि काफ़ी लोग करते हैं एंड इनफैक्ट मैंने भी करी थी कि यार एक बार जब हमने फ्रंट एंड की टेक्नोलॉजी सीख ली ना, जैसे HTML, CSS और JavaScript सीख ली, फिर हम सीधा ना बैक एंड में मूव कर जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि यार वही सब कुछ है तो बटन ही तो बनाना है, तो उसके लिए एक ही कोड है, फॉर्म बनाना है उसके लिए एक ही कोड है, इसमें क्या मुश्किल है ना। बट यार क्या आपने उस टाइम ऐसा सोचा था कि अगर मेरे को सारा एक जैसा ही कोड करना है तो अगर वो रीयूज हो सके तो कितना टाइम बच जाएगा मेरा? यार यही काम हमारे फ्रेमवर्क्स करते हैं। आपने आई एम श्योर कुछ फ्रेमवर्क्स के बारे में तो सुना ही होगा, उनके नाम सुने ही होंगे, रिएक्ट JS है, व्यू JS है, जो कि फ्रंट एंड के फ्रेमवर्क्स हैं। तो यार फ्रेमवर्क्स ना बेसिकली वो सेट ऑफ प्री रिटन कोड होता है जो कि आपका काम आसान बनाने के लिए है और आपका काम और लेस टाइम कंज्यूमिंग बनाने के लिए होता है। ऑल्सो यार अगर मैं रिएक्ट की बात करूँ, रिएक्ट JS की, तो इसमें एक फीचर है कि ये रीयूजबिलिटी और कॉम्पोनेंट का है कि आप कॉम्पोनेंट्स को रीयूज कर सकते हो, तो वो भी आपका टाइम ना काफ़ी बचाता है। तो गाइज ये गलती मत करना कि एक बार ये HTML, CSS और JavaScript कर ली फिर सीधा बैकएंड पे स्विच मार रहे। बैकएंड सीखने से पहले मेक श्योर कि कोई एक फ्रेमवर्क तो ज़रूर सीखना है, बीट, रिएक्ट या फिर व्यू।
अगर थोड़ा सा मैं आपको दोनों के बारे में ब्रीफ आइडिया दूं तो यार रिएक्ट ना काफी बढ़िया और रीयूजेबल कोड बनाता है, कंपोनेंट बेस्ड है इसमें सब कुछ जैसा मैंने पहले भी कहा था, एंड ऑन द अदर हैंड व्यू जो है वो काफी ही बिगिनर फ्रेंडली है। तो थोड़ा सा रिसर्च करना, जब आप फ्रंट एंड खत्म कर लोगे अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोई सा फ्रेमवर्क आप चूज करके उसको सीखना जरूर, बट मेक श्योर कि आप बैक एंड करने से पहले एक एक फ्रेमवर्क, कोई सा भी एक फ्रेमवर्क ना सीख जरूर रहे हो, क्योंकि वो आपका बहुत काम आसान करेगा यार। जैसे प्री रिक्विजिट्स की आपको मैंने इंपॉर्टेंस जब बताई थी कि यार जब आपको ये सब तब पता चलेगा जब आप प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे, वैसे ही जब इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस पढ़ोगे ना तब आपको अपनी वेबसाइट को डिप्लॉय करने की इंपॉर्टेंस पता चलेगी। तो यार हम क्या करते हैं ना, सब मिस्टेक ये करते हैं कि एक बारी कोई प्रोजेक्ट बना लिया तो फिर उसको ना हम लोग डिप्लॉय नहीं करते, वो हमारे मशीन में लैपटॉप में ही पड़ा रह जाता है। बट जब आप इंटरव्यू में जाओगे ना तो आपको ये रियलाइज होगा कि यार आपने जो प्रोजेक्ट बनाया था अगर वो आप उसको डिप्लॉय कर देते तो काफ़ी बढ़िया रहता है यार, आपके लिए इंटरव्यू में बहुत चीज़ आसान हो जाती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने जो वेबसाइट बनाई ना अगर आप उसको एक डिस्क्रिप्शन में अपने रेज्यूमे में डालोगे, वर्ड्स में लिखोगे वर्सेस एक लिंक डाल रहे हो आप उसका, तो सोचो इंटरव्यूअर आपके प्रोजेक्ट को लाइव देख सकेगा, उससे इंटरेक्ट कर सकेगा, तो उनको बहुत ज़्यादा अच्छा अच्छे से पता चलेगा कि यार आपकी स्किल्स क्या हैं, आपने आपको HTML आती है, इस बंदे को CSS आती है, इस बंदे को React आती है, उसको सामने पता चलेगा। सोच के देखो एक एक चीज़ से लाइव इंटरेक्ट करना और दूसरा उसके बारे में पढ़ना, दोनों में अंतर है ना, अच्छा इंप्रेशन उसमें रहेगा जब आप लाइव किसी चीज़ से इंटरेक्ट कर रहे होगे। एंड इवन यार अगर आप प्रोजेक्ट डिप्लॉय करते हो तो वो आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा, क्योंकि फिर लोग आपकी वेबसाइट को यूज़ कर सकेंगे एंड उसको यूज़ करके उसके अकॉर्डिंग आपको फीडबैक मिलेगा, हो सकता है आपको कोई नया आइडिया भी मिल जाए जिसको कि आप विच यू कैन टर्न इन टू अ स्टार्टअप, है ना। नहीं तो एट द वेरी लीस्ट आपको कुछ नया सीखने को तो मिलेगा ही ना। सपोज कोई आपको कहेगा कि यार ये बटन ना ऐसे इस कलर में और अच्छा लगता है, या फिर मैंने एक दोस्त की वेबसाइट देखी थी उसने बटन ऐसे बनाया था, फीडबैक से आप लर्न कर पाओगे। तो यार इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं हम उसे डिप्लॉय भी करें, ना कि सिर्फ बना के अपनी मशीन में ही अपने लैपटॉप में पड़े रहने दें। सो गाइज बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आईड लाइक टू डिस्कस अबाउट दिस ऑसम प्लेटफॉर्म कॉल्ड कोड स्टूडियो बाय कोडिंग निंजास। सो दिस कोड स्टूडियो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको फ्री में थाउजेंड्स ऑफ टॉप इंटरव्यू प्रॉब्लम्स मिल जाएंगी। अगर आप चाहते हो कि किसी कंपनी के इंटरव्यू में पूछी गई टॉप प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करनी, वो आपको यहां मिल जाएंगी, टॉपिक वाइज भी आपको प्रॉब्लम लिस्ट मिल जाएंगी, एंड ऑल्सो यू कैन लर्न फ्रॉम द फ्री गाइडेड पाथ्स ऑन DSA एंड रिलेटेड टॉपिक्स। सो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट द कोड स्टूडियो प्लेटफॉर्म बाय कोडिंग निंजास। सो यार आप फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट सीख रहे हो तो एक ना एक दिन तो आप काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट बनाओगे ना, कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट तो बनाओगे जिसमें कि सारी चीज़ें यूज़ हो रही होंगी, HTML, Node.js, React, CSS, JavaScript। सो टू हैव अ गुड होल्ड ऑफ एवरी टेक्नोलॉजी दैट यू हैव लर्नड, मेक श्योर यू मेक स्मॉल प्रोजेक्ट्स वाइल लर्निंग दैम। हर टेक्नोलॉजी को जो आप सीख रहे हो उनको मास्टर करने के लिए कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाओ उनसे रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल जब आप HTML, CSS सीख रहे हो यू कैन मेक वन पर्सनल पोर्टफोलियो, अपना एक पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट बना सकते हो। ऐसी जब JavaScript सीख रहे हो आप एक कोई गेम डेवलप कर सकते हो, टिक टैक टो बना लो या फिर इवन कैलकुलेटर भी बना सकते हो। द पॉइंट इज दैट वेन यू आर लर्निंग समथिंग यू शुडंट लर्न इट थियोरेटिकली, सिर्फ थ्योरी से मत सीखना, क्योंकि अगर यार वेब डेवलपमेंट कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी सिर्फ आप वीडियोज देख लोगे तो उससे आपको वेबसाइट बनानी आ जाएगी। हर टॉपिक को समझने के लिए आपको उसको प्रैक्टिकली ट्राई आउट करना बहुत ज़रूरी है। जब तक चीज़ों को खुद से ट्राई नहीं करोगे, देखोगे नहीं, तो पता कैसे चलेगा कि यार थ्योरी में जो आपने सीखा है वो एक्चुअली में कैसे अप्लाई करते हैं। एट टाइम्स व्हाट हैपेंस इज वी गो थ्रू अ लेक्चर एंड फाइंड द टॉपिक क्वाइट ईजी, बट लेटर आफ्टर अ फ्यू डेज जब हमें वो अप्लाई करना होता है ना वो होता ही नहीं हमसे, वी जस्ट कांट डू दैट। तो टू अवॉइड दिस सिचुएशन आई विल से कि आफ्टर यू हैव गॉन थ्रू सम टॉपिक, से HTML सीख लिया एंड CSS सीख लिया, यार उनसे रिलेटेड ना कोई एक प्रोजेक्ट बनाओ ताकि आपको पता तो चले कि आपने जो सीखा है वो आपको कितना समझ आया है, उसमें से आपने कितना ग्रास्प करा है और उसमें से कितना फाइनली आप अप्लाई कर पा रहे हो। लास्ट चीज है यार कोड स्ट्रक्चरिंग। सो गाइज जब भी आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ना कोड को वेल स्ट्रक्चर्ड हो, आपका कोड जो लिख रहे हो वो बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर्ड हो।
क्योंकि सोचो कि अगर आपको किसी वजह से कोड के एक पार्ट में चेंज करना है एंड आपके उस एक चेंज की वजह से आपका अगर कोड स्ट्रक्चर्ड नहीं है, ढंग से स्ट्रक्चर्ड नहीं है, तो आपको वो पूरा कोड चेंज करना पड़ रहा है उसकी वजह से। तो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कोड ढंग से स्ट्रक्चर्ड हो आपका, ताकि ऐसे सिचुएशंस में ना आपका काम आसान रहे, हैसल फ्री रहे, ना कि आपका काम और बढ़ जाए। वरना आपको बाद में ये रिग्रेट होगा कि यार पहले एक बारी मैंने कोड लिखा था, बार बार क्या चेंज करूं, एक बारी काश ढंग से लिख लिया होता मैंने तो इतना काम मेरा फैलता नहीं। यार जनरली एक अच्छा कोड ना वेब डेवलपमेंट में, हमारा एक अच्छा कोड से मतलब ये नहीं है कि इट इज़ लेस लाइंस ऑफ कोड। अच्छा कोड का मतलब हमारे वेब डेवलपमेंट में ही होता है कि आपका कोड में स्ट्रक्चरिंग है, मॉडल बने हुए हैं, कंट्रोलर बने हुए हैं ना, स्ट्रक्चरिंग अच्छी है। ये यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि आपको एक ग्रेट वेब डेवलपर बनाती हैं। एंड इवन जब आप इंटरव्यू में जाओगे ना, अगर इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब चीज़ें सोचो, तो ऐसा रहेगा कि यार आप इंटरव्यूअर के सामने बैठे हो, इंटरव्यूअर आपका गिटहब खोलते हैं, देखते हैं कि उनको मतलब देखते हैं आपके कोड से गो थ्रू होते हैं, तो उनको कितना बढ़िया इंप्रेशन जाएगा कि आपने कितना बढ़िया तरीके से कोड लिखा हुआ है, कितना स्ट्रक्चर्ड है, कितना वेल स्ट्रक्चर्ड है। तो यार ऐसी चीज़ें हमें अभी तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगती, बट जब आप इंटरव्यूअर के सामने बैठे होते हो तब आपको लगता है कि काश यार ये पहले कर लिया होता। सो यार ये काफ़ी सारी चीज़ें थी जो मुझे लगता है कि अगर शायद मुझे वेब डेवलपमेंट सीखने से पहले पता होती तो काफ़ी हेल्प हो जाती यार मेरी, काफ़ी आसान हो जाता काम। जैसे कि मैंने वर्जन कंट्रोल सिस्टम के बारे में आपको बताया, प्री रिक्विजिट्स होते हैं, फिर उसके बाद हमारा फ्रेमवर्क्स हो गए, कोड की स्ट्रक्चरिंग हो गई, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें थी जो कि अगर मेरे को पता होती, अगर मेरे को ध्यान होता या किसी ने मेरे को उस समय गाइड करा होता ना, यार मेरा बहुत अच्छी लर्निंग हो जाती। सो आई होप इन मिस्टेक्स के ज़रिए जो मैंने ऑन द वे अपनी जर्नी में वेब डेवलपमेंट की रियलाइज़ करी है, या फिर मैं कहूँ कि मैंने सीखा है, आई होप कि आप अपनी इन चीज़ों को अपने अपने जर्नी में, वेब डेवलपमेंट की जर्नी में आप इन चीज़ों को इम्बाइब करोगे, अगर हो सकता है तो इम्प्रूव करोगे, या इवन अगर आपने स्टार्ट कर दिया अपनी वेब डेवलपमेंट की जर्नी तो उसमें आप इन चीज़ों को ध्यान रखोगे। जैसे अगर आप सीख रहे हो, कोई नोड जे एस सीख रहे हो एंड पहली HTML फ्रंट एंड सीख चुके हो, जैसा हमने डिस्कस करा इस वीडियो में कि आपको जब जब आप चीज़ें कर रहे हो तो उसमें आपको प्रोजेक्ट्स बनाने हैं ताकि आपको अच्छी उसकी अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो अगर आप ऐसे स्टेज पे हो कि मिड ऑफ द वे आ गए हो, कुछ चीज़ें रह गई, कुछ चीज़ें छूट गई, तो कोई नहीं यार, जस्ट जब से आप शुरू कर सकते हो इन चीज़ों को करेक्ट करना शुरू कर दो, सो दैट कि यार आपको बाद में जाके परेशानी ना हो। इट इज़ बेटर ना कि भाई मिड वे चेंज कर लो रादर देन बाद में वापस से सब खत्म होने के बाद फिर से सारी चीज़ें चेंज करो। सो आई होप एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रहेंगी एंड आप अपने जर्नी में इन सब चीज़ों को करेक्ट कर लोगे एंड ऑल्सो यू विल बिकम अ ग्रेट वेब डेवलपर, अ ग्रेट फुल स्टैक वेब डेवलपर। थैंक यू।